राजसमंद में अफरजुल नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जलाने और उसकी हत्या करने का वीडियो बनाकर चर्चित हुए आरोपी शंभुनाथ ने जोधपुर जेल से एक वीडियो वायरल किया है। ऐसे में जेल प्रशासन और यहां लगे जैमर्स पर सवाल खड़े हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि शंभुनाथ ने इस वीडियो में जेल के एक कैदी से खुद की जान को खतरा होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने जेहाद को लेकर भड़काऊ बयान भी दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़बड़ी मच गई। आरोपी के बैरक की तलाशी ली गई, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। वहीं शंभुनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभुलाल राजसमंद प्रकरण के बाद से जोधपुर सेंट्रल जेल में है। वीडियो में उसने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उसे सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वासुदेव ब्राह्मण नाम का एक बंदी उसके पास आया और उससे दोस्ती कर अपनापन जताने लगा। इस पर उसे संदेह हुआ। शंभुलाल ने आरोप लगाया कि वासुदेव नाम का यह बंदी पश्चिमी बंगाल का है और फर्जी नाम पते से जेल में बंद है। उसे नशे के मामले में गिरफ्तार किया गया है और यह बंदी उसे जान से मारना चाहता है। जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, यह मेरे जीवन का आखिरी संदेश है। यह मैं जोधपुर सेंट्रल जेल से लिख रहा हूँ। मुझे जेल प्रशासन ने जेल की सबसे सुरक्षित सेल्स में रखा है, फिर भी कुछ दिनों बाद एक वासुदेव ब्राह्मण नाम का पश्चिम बंगाल निवासी एक अपराधी मेरी सेल्स में आया और मेरे साथ रहने लगा। फिर 2-3 दिन तक उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे बातचीत चालू की और हर वक्त बहुत से ज़्यादा इस्लाम की बुराई वह मेरे साथ अपनापन जताने लगा। उसकी बातों से मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने सोच के वक्त उसका प्राइवेट पार्ट्स देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसका खतना किया हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो झूठे फर्जी नाम पते से जहरीले नशे का कारोबार करते हुए जोधपुर में पकड़ा गया। यह है जेहादियों की ताकत, जो इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मेरे पास पहुंच गया। वह मुझे जान से मारने की तैयारी में है, पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। अगर वो धर्म के लिए जान दे सकता है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। पर मेरे मन की भावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि इनके द्वारा और किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने 22 साल पहले इन अवैध बांग्लादेशियों के साथ रहकर इनकी जिहादी सोच का अध्ययन हर तरह से किया है। जिहाद का पूरा मतलब धोखा है। ये हमारे देश के सारे सिस्टम और हर वर्ग में फर्जी दस्तावेज बनाकर उनमें घुसकर दीमक की तरह हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग हिंदू धर्म ही ऊंच नीच भ्रष्टाचार भेदभाव के कारण जिहाद रूपी धोखे का सबसे आसान शिकार हो रहा है। हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक तरफ से पाकिस्तानी जिहादी खुला आतंक मचा रहे हैं और दूसरी तरफ से अवैध बांग्लादेशी और एग्या जिहादी मिलकर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उधर डीआईजी जेल विक्रम सिंह का कहना है कि शंभुनाथ द्वारा 2 वीडियो वायरल करने की जानकारी मिली है। उसके बैरक की तलाशी ली गई, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। उसने किसी अन्य साथी से मोबाइल लेकर वीडियो बनाया है। डीआईजी के अनुसार जेल प्रशासन इसकी जांच में जुटा है। उन्होंने माना कि जेल में मोबाइल का उपयोग गंभीर है और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए समय समय पर तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। हमको रात को 8-9 बजे पता लगा था कि कोई उसने वीडियो वायरल किए हैं। उसके जान के खतरे का जहाँ तक सवाल है, तो वासु नाम के कोई पश्चिम बंगाल का बंदी जो NDPS में था, पिछले दिनों उसकी कोई शिकायत आई थी तो उसको भी इसी के वार्ड में डाल दिया गया था। उसके खुद के मन की उपज है, बाकी कोई खतरा नहीं है और उसको वहाँ से उस वासु बंदी को वहाँ से हटा दिया गया है। पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक जेल में से होने का सवाल है तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तलाशी में या कहीं चूक हुई है, क्योंकि इन दिनों ये बंदी थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी जाने लगा था, हम उसको थोड़ी ढील दी थी। हो सकता है वहाँ किसी बंदी से इसने मोबाइल ले लिया और वो किया हो। उसके बाद में हमने तलाशी की तो ये बता नहीं रहा है अभी कि किससे लिया और कहाँ इसने उसको बाद में डाला है, छुपाया है, लेकिन उसके बाद तलाशी लगातार जारी है और हम हो सकता है आज शाम तक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है,
और इस तरह बार बार ये वायरल होना बार बार सुरक्षा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो हम इसको अब बिल्कुल भी हल्के से नहीं। गौरतलब है कि जेल प्रशासन ने प्रदेश की सेंट्रल जेलों में जो जैमर लगाए हैं उन पर अभी तक करीब 20 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो जेल के भीतर से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लग पाया और ना ही मोबाइल फोन का उपयोग कम हो पाया। जोधपुर जेल दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाद देश की दूसरी सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन यहाँ शंभुनाथ ने वीडियो बड़े आराम से रिकॉर्ड किया। अब जाकर जोधपुर सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इससे पहले आनंदपाल सिंह ने जेल से अपने फेसबुक अपडेट करने के साथ ही मोबाइल फोन का भी जमकर उपयोग किया था। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई भी जेल से गैंग चलाने के साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आता रहा। प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन, सिम और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने के मामले में साल 2013 से साल 2017 तक करीब 600 मामले सामने आ चुके हैं।